चलो हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज POC। ठीक है, और हम लोगों ने इसमें पढ़ रहे थे नीड फॉर मॉड्यूलेशन। हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो पहला पॉइंट क्लियर कर दिया था। फर्स्ट पॉइंट था जो प्रैक्टिकल एंटीना लेंथ होती है वो लैम्डा बाई फोर होती है, और डाइपोल एंटीना के लिए, डाइपोल एंटीना बताया था जिसमें ऐसे खींच के हम लोग ऐसे खींचते हैं ना, जैसे खींचकर एंटीना बड़ा करते हैं, तो डाइपोल एंटीना होते हैं जो रेडियो वगैरह में आते हैं आपके, ठीक है, तो उसके लिए लैम्डा बाई टू होता है। ठीक है, डाइपोल एंटीना के लिए ये लैम्डा बाई टू होता है। तो इसकी कुछ आई थी 3.7 किलोमीटर से लेके 3,750 किलोमीटर। ठीक है, एल मिनिमम जो आया था, मिनिमम लेंथ जो रिक्वायरमेंट थी साउंड सिग्नल को भेजने के लिए होता है 3.75 किलोमीटर आई थिंक, और एल मैक्सिमम यह आया था 3,750 किलोमीटर। तो इतने लंबे लंबे एंटीना प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोगों को मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ी। दूसरा आता है आपका इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। दूसरा है इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। जो एंटीना जो है पावर रेडिएट कर रहा है, ठीक है, वो पावर जो होती है पी विच इज इक्वल टू होता है, प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा स्क्वायर के। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो पावर है वो वेवलेंथ को बढ़ाएंगे हम लोग, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा लंबा एंटीना होगा उतनी ज्यादा पावर होगी, और दूसरा जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही पावर ज्यादा होगी। ठीक है, वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, ज्यादा। ठीक है, तो पावर इंक्रीजेस व्हेन लैम्डा डिक्रीजेस। और हम लोग जो ऑडिबल जो रेंज होती है, ऑडिबल रेंज क्या होती है, जो हम लोग बोल रहा हूं, मैं जैसे मैं बोल रहा हूं तो ऑडिबल जो इसकी वेवलेंथ जो होती है वो कितनी होती है, याद है आपको? ठीक है, ऑडिबल जो हम लोग बोलते हैं साउंड है इस वेवलेंथ, साउंड की वेवलेंथ जो होती है वो 16 मीटर के अराउंड होती है शायद। ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको, 1 मीटर से लेके मतलब मीटर्स में होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो पावर रेडिएट क्या होगी, कम होगी। इसलिए हम लोगों को मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, पावर जो है वो काफी कम रेडिएट कर पा रहा है। तीसरा क्या होता है, तीसरा है इसका मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स क्या होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। अगर मैं एक ही फ्रीक्वेंसी से, आप भी एक ही फ्रीक्वेंसी से बात कर रहे हो, मैं भी एक ही फ्रीक्वेंसी से बात कर रहा हूं, तो हम लोगों की जो साउंड है वो एक दूसरे के साउंड को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो उसको भी दूर करने के लिए हम लोगों को क्या किसकी जरूरत पड़ती है, मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो लिखो इंटर मिक्सिंग ऑफ सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर। तीसरा इज रीजन है इसका मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल
mixing up of different signal from different transmitters. ठीक है, अलग अलग ट्रांसमीटर से सिग्नल्स क्या होंगे, अगर मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो सिग्नल क्या होंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे. ठीक है, इफ मॉड्यूलेशन इज नॉट डन देन signals will get intermixed. And purpose of communication and purpose of communication will be defected तो हमारा कम्युनिकेशन का पर्पस क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, हम लोग सही सिग्नल सामने वाले के पास नहीं पहुंचा पाएंगे, तो जो कम्युनिकेशन है वो सही से नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो ये तीन रीजन है. कई बार पूछ लेते क्वेश्चन कि हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आपको ये तीनों रीजन याद रखने हैं. ठीक है, क्या क्या लिखना है देख लेना. अब आता है इसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीमॉड्यूलेशन. डीमॉड्यूलेशन कैसे होता है, ठीक है, तो अब लिखो, आप अगला टॉपिक डालो, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिटेक्शन और डीमॉड्यूलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास सिग्नल आया, रिसीवर ने सिग्नल रिसीव किया. ठीक है, यहां पर सिग्नल आया, ये सबसे पहले जाएगा किसमें, ये सबसे पहले जाएगा आपका रेक्टिफायर. आपको रेक्टिफायर बताया था मैंने. ठीक है, यहां पे आ रहा आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. अच्छा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैसा दिखेगा, फिर वापस बढ़ना स्टार्ट होता है. ठीक है, इस तरह से. ये आपकी थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. ठीक है, यहां पर चाहे ई लिख लो, यहां पर टाइम लिख लो, यहां पर क्या है,
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो सबसे पहले किसमें जाइए, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर बताए आपको, रेक्टिफायर क्या करता है, फुल वेव रेक्टिफायर है। तो ये नीचे वाली साइकिल को हटा देगा, सिर्फ ऊपर ऊपर वाली साइकिल को रखेगा, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को ही रहने देगा, नीचे वाली साइकिल को क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, तो ये किसमें गया, रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर के बाद आपको क्या मिलेगा, दैट इज इसका रेक्टिफायर आउटपुट। यहां पर जो वेव मिलेगी आपको वो कैसे मिलेगी, नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, अब सिर्फ ऊपर पॉजिटिव वाला रहेगा। तो पॉजिटिव वाला कैसे, ऐसे ठीक है, रेक्टिफाई कर दिया यहाँ पे, ये रेक्टिफाइड आउटपुट है। अब इसको कहाँ डालते हैं, रेक्टिफाइड आउटपुट को हम लोग एनवलप डिटेक्टर में। ठीक है, मैंने बताया था दैट इज अपर एनवलप और ये बॉटम एनवलप होती है। अभी किसमें जाएगा, एनवलप डिटेक्टर में। एनवलप डिटेक्टर क्या करती है, ये सिर्फ इनके टॉप टॉप पॉइंट को लेगा और उससे वेव फॉर्म बनाएगा। ये सिर्फ टॉप टॉप को लेगा और उससे वेव फॉर्म बनाएगा ये। ठीक है, तो एनवलप डिटेक्टर के बाद जो सिग्नल मिलेगा आपको, वो आपको क्या मिलेगा, मॉड्यूलेटिंग वेव। एक्चुअल में आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है वो यही है, ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है। तो इसके बाद जो आपको वेव मिलेगी वो क्या मिलेगी आपके, वो मॉड्यूलेटिंग वेव, जो हमारी ओरिजिनल सिग्नल है वो मिलेगा। मॉड्यूलेटिंग वेव कैसी है आपकी, इस तरह का सिग्नल मिलेगा आपको। ओरिजिनल सिग्नल आपका यही था, वीक सिग्नल जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्लॉक डायग्राम किसका है, डीमॉड्यूलेशन का ये ब्लॉक डायग्राम है। किसी को कुछ पूछना है, चलो टॉपिक डालो, स्पेस कम्युनिकेशन। स्पेस कम्युनिकेशन, ठीक है, क्या होता है, इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच we use space around the earth. अर्थ के आसपास का जो स्पेस है उसको हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसे बोलते हैं स्पेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। हमारे पास एक बंद कमरा है, इस बंद कमरे में एक पर्सन यहां पर है, दैट इज पर्सन ए, एक पर्सन यहां पर है, दैट इज पर्सन बी।
पर्सन ए के हाथ में एक बॉल है, ये चाहता है कि ये बॉल बी के पास पहुंच जाए, तो इसके पास कौन कौन से तरीके? एक तरीका तो ये है कि बॉल को ऐसे लुढ़का दे और फिर ऐसे करके इसके पास जाए, एक तरीका ये है कि इसको डायरेक्ट ऐसे करके फेंके, और इसके अलावा कोई तरीका, एक तरीका और है कि ऊपर फेंके यू करके, ऊपर से रिफ्लेक्ट होके फिर इसके पास आए। तो ये तीन तरीके हो गए। तो उसी तरह से हम लोग कम्युनिकेट भी इस तीन तरीके से ही करते हैं, ठीक है। तो पहला होगा अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड के साथ होते हुए जाए उसको बोलते हैं ग्राउंड वेव। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। सेकंड हमने क्या करा, डायरेक्ट फेंका, ठीक है, डायरेक्टली इन स्ट्रेट लाइन। डायरेक्टली इन स्ट्रेट लाइन। और तीसरा ऊपर सीलिंग से टकरा के फेंका। उसी तरह लाइट को, सॉरी ईएम वेव को भी क्या करते हैं हम लोग, ऊपर सीलिंग के ऊपर फेंकते हैं, तो जो आइनोस्फीयर होता है उस आइनोस्फीयर से टकरा के फिर वो आता है, ठीक है, अपवर्ड इन द स्काई। अपवर्ड इन द स्काई रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आइनोस्फीयर। ठीक है, आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके वो वापस आता है। तो इस तरह से तीन तरीके हमारे पास। अब इन तीनों को कौन कौन सी वेव बोलते हैं, ठीक है, जैसे तो ये मैंने इससे समझाया आपको। अब मान लेते हैं दो, एक ट्रांसमीटर ले लेते हैं, एक रिसीवर ले लेते हैं। एक अर्थ बना देते हैं, पहले अर्थ, यहां पर एक एंटीना, ये आपका ट्रांसमीटर हो गया, यहां पर एक एंटीना, ये आपका रिसीवर हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या होता है, कौन कौन से लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, लेयर बनाते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, फिर शायद आयनोस्फेयर सबसे टॉप में होता है, आयनोस्फेयर जहां पर आयन्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आयनोस्फेयर। अब देखो एक तरीका तो ये है कि ग्राउंड से टकरा के वेव ऐसे करके जाए, इसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड वेव, जो ग्राउंड से टकरा के जा रही है, दैट इज ग्राउंड वेव। जनरली हमारे जो कम्युनिकेशन होता है मोबाइल वगैरह में, उसमें हम लोग इसी तरह का यूज करते हैं, दैट इज ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। दूसरा आ गया है डायरेक्ट ऐसे भेज रहे हैं, को बोलेंगे स्पेस वेव। डायरेक्टली भेजने वाले को बोलते हैं स्पेस वेव, जो डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है, और जो टकरा के आ रहा है, जो टकरा के आ रहा है स्काई की तरफ भेज रहे हम लोग, और फिर टकरा के इसके पास आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे स्काई वेव। तीन अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन के मेथड हो गए, एक तो ग्राउंड वेव से, एक स्पेस वेव से, और दूसरा, तीसरा आपका स्काई वेव, ठीक है, बात समझ में आई। इन तीनों में बहुत सारे डिफरेंस है अलग अलग, वो डिफरेंस को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब इसके बाद आता है, कई बार न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं,
हाइट ऑफ एंटीना पर कि ट्रांसमिटेड एंटीना की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वो देखते हैं हम लोग अब। ठीक है, तो तीन तरह के स्पेस कम्युनिकेशन होता है, दैट इज ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्पेस वेव प्रोपगेशन और स्काई वेव प्रोपगेशन। तो तीन अलग अलग तरह के से हम लोग वेव को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो इसमें आप हाइट ऑफ एंटीना, कई बार हाइट ऑफ एंटीना पर क्वेश्चन आ जाता है। प्रैक्टिकली आप मैंने बताया था हाइट ऑफ एंटीना आपका लैम्डा बाय 4 होना चाहिए। तो देखो इधर मान लेते हैं कि हमने ले लिया अर्थ और ये ले लिया हमने एंटीना, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, ये रेडियस हो गई और इसकी हाइट ले ली हमने एंटीना की, दैट इज एच। तो ये एच की वैल्यू निकालनी है। देखो ये सिग्नल जो है कहां तक ट्रांसमिट कर पाएगा, ऐसे टेंजेंट टेंजेंट बनेगा यहां पे। ठीक है, इसके इधर नहीं कर पाएगा ये ट्रांसमिट, यहां पर भी टेंजेंट बनेगा ये। ठीक है, तो यहां पर हम लोग नाम दे देते हैं, ये आपका ट्रांसमीटर हो गया टी, इसको देते हैं ओ, इसको देते हैं बी ए और इसको बोलते हैं बी। ठीक है, आज हमने मान लिया हाइट ऑफ एंटीना, आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ और टी ए टी बी क्या है, एच क्या मान लिया हमने, एच है आपका हाइट ऑफ एंटीना R क्या है आपका कैपिटल R दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ और टी ए टी बी क्या है, टी ए टी बी इसको D मान लेते हैं, टी ए टी बी इक्वली होगा, अगर अर्थ बिल्कुल स्फेरिकल है तो टी ए टी बी हम लोग D ही मानेंगे, स्मॉल d कर दो इसको, दैट इज डिस्टेंस अप टू विच ट्रांसमीटर कैन अप टू विच सिग्नल ऑफ सफिशियंट स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ रीच्ड। ठीक है, टी ए टी बी आपका रेंज हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, ये रेंज हो गई। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, आप किसी भी ट्रायंगल में देख लो ओ टी का स्क्वायर, ओ टी क्या है हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ओ टी का स्क्वायर क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस टी ए का स्क्वायर। ठीक है, ओ टी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर। अब ओ टी देखो, ओ टी क्या है आर प्लस एच, That is R plus H का होल स्क्वायर। ओ ए, ओ ए क्या है, ये भी आपका रेडियस है और टी ए आपका क्या है डी स्क्वायर, दैट इज रेंज। ठीक है, इसको सॉल्व करो, R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर प्लस टू आर एच इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमें ये एच निकालना, हाइट ऑफ एंटीना निकालनी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, एच स्क्वायर देखो, एच जो है वो वेरी वेरी लेस देन है एज कंपेयर टू आर, जो प्रैक्टिकल आर कितना होता है, अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर और एंटीना की हाइट कितनी होती है 100 मीटर 200 मीटर,
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर मान लो, इससे बड़ा एंटीना नहीं होगा। तो कहां 1 किलोमीटर, तो कहां 6400 किलोमीटर। एच जो है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू आर, तो एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपके पास बच जाएगा 2RH, यहां से H बराबर हो जाएगा आपके पास d स्क्वायर बाय 2R। दिस इज द हाइट ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड। d क्या है आपका रेंज, ठीक है, कहां तक आपको सिग्नल पहुंचाने हैं वहां तक, तो उसके लिए कितनी हाइट का एंटीना चाहिए, यहाँ पे H की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक। कई बार पूछ लेते हैं कि कितना एरिया कवर करेगा, कई बार क्या पूछ लेते हैं, इसमें कितना एरिया कवर करेगा, एच हाइट का एंटीना है, कितना एरिया कवर करेगा, कैसे निकालेंगे, एरिया कवर्ड मतलब कहां कहां तक सिग्नल जा रहे हैं, मतलब हम लोगों को एरिया ऑफ सर्कल निकालना, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना हम लोगों को। इस पॉइंट को नाम दो, देखो ये P हो गया, ये जो P है R के और T है, ये लगभग क्या होते हैं, जो बराबर होते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ एंटीना बहुत ही छोटा है, तो P A और T A ये क्या होंगे लगभग, मैं आपसे पूछूं P A, ठीक है, R के P A और P B R, ये आर्क कितना होगा, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ होगा ये आपका अंडर रूट 2RH, ठीक है। एक्चुअल में क्या होगा, डी होगा ये, तो डी बराबर देखो, डी बराबर कितना हो जाएगा, यहां से डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2RH, ठीक है। ऐसा क्यों करा मैंने, इसको D क्यों मान लिया मैंने, क्योंकि एक्चुअल में जो अर्थ होगी, अर्थ ऐसे है, तो एंटीना की हाइट बहुत ही छोटी होगी, लगभग दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है, इतनी हाइट का होगा एंटीना, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस लो या ऐसे लो, एक ही बात है, ठीक है, वो लगभग बराबर ही होगा, इसलिए अर्थ का जो ये कर्व है और हाइट टी है, जो रेंज है, वो लगभग इक्वली होती है, इसलिए हमने क्या लिया, D इक्वल टू पी ए कर्व और पी बी इक्वल टू टू अंडर रूट टू आर एच। अब एरिया कितना कवर करेगा, तो देखो एक सर्कल बनेगा ऐसे करके यहां पे, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, दैट इज अंडर रूट टू आर एच, तो एरिया कवर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई, आर की जगह लिख दो पाई डी स्क्वायर, डी की जगह लिख दो आप 2RH, पाई इंटू 2R इंटू हाइट ऑफ एंटीना हो जाएगा 2πR इंटू एच, ठीक है।